हाँ देखिए, एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो यही हैं कि जितनी वो वास्ट उनकी रीडिंग होगी और वास्ट उनको इसमें कॉमन लाइफ में देखेंगे, सोसाइटी में देखेंगे कि कैसे कोई इशू कैसे है। तो एनालिटिकल सिंपल है कि मुख्तलिफ जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उस फील्ड के स्पेशल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उसके ओपिनियंस क्या हैं, और अगर रिसर्च हुई हैं उस टॉपिक पे, कोई स्टडीज़ हुई हैं, कोई थीसिस है, तो उस पे जाके और देखेंगे। क्योंकि जब उनकी स्टडी पूरी होगी, डीप होगी, तो एनालिसिस करना इजी है, और उनको उसके इशू के दोनों एंगल्स या तीन जितने भी एंगल्स हैं वो पता होगा। मतलब एक इशू को पूरा अगर किसी को पता है तो वो एनालिसिस सही कर पाएगा। तो यही है कि वास्ट रीडिंग हो और पूरी मतलब उनकी जो रेफरेंसेस हैं और एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के या रिसर्चर्स हैं, उनके ओपिनियन और उनकी कोटेशंस डालें। नोट्स देखें, काफ़ी बनाते हैं, जैसे कि मैंने सिंपल बुलेट प्रूफ बुलेट बुलेट फॉर्म में जो है वो नोट्स बनाए थे कि आखिरी अगर मैं वीक हो या आखिरी पेपर की नाइट हो, उसमें सिंपल मैं रिव्यू के लिए देखूँ। कुछ बनाते हैं तो जिसको इजी लगे वो अपने नोट्स बना लें। मैंने तो काफ़ी दूसरे जो सीनियर्स थे उनके नोट्स भी रेफ़र किए थे। तो यही है कि वो क्या डिटेल में नोट्स बनाना चाहते हैं या ब्रीफ में। मैंने जो है मेरा पर्सनल यही था कि मैंने ब्रीफ नोट्स बनाए थे, सिंपल बुलेट्स और कोटेशंस वगैरह जो अहम होती थी, या कोई मैं समझता था कि ये फैक्ट एंड फिगर मैं उसमें ऐड करूँगा तो उसको शामिल कर। कुल सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया पे यंग हमारे लग गए हैं, फेसबुक पे, टिकटॉक और इन पे, तो उससे थोड़ा बाज आ जाएं और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। मतलब अगर आप CSS के हवाले से कर रहे हैं तैयारी, तो उसको गूगल को या बाकी चीज़ों को आप फ़क्त CSS के लिए यूज़ करें, उसकी इंफॉर्मेशन, रिसर्च रिपोर्ट्स और वो और दूसरा ये है कि डेडिकेटेड होके काम करें और पूरा फोकस्ड फोकस्ड रहें। जो भी आपका मकसद है नौजवानों का, जो भी CSS करना चाह रहे हैं या कोई और फील्ड है, जब तक फोकस्ड नहीं होंगे और अपने VN के मुताबिक, अपने ड्रीम्स के हवाले से, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। इंस्पायरेशन तो ये थी कि जैसे कि सबसे पहले मेरा कज़न जो है सैयद इमदाद अली शाह, उन्होंने PCS की, तो वो मैं देखता था। एक तो स्टेटस में एलिवेशन आ जाती है, दूसरी लोगों की सर्विस होती है, और जैसे कि तो उसको मैंने देख के कोशिश की कि मैं भी फॉलो करूं उनको। तो बेसिक इंस्पायरेशन वही थी, और उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ रोल मॉडल्स थे पुलिस जो है वो चॉइस करने के लिए, तो वो मैंने बताया। मैं बिल्कुल उससे पहले नहीं था इतना और पुलिसिंग से। बाकी ये है कि इसमें आके हमने देखा है कि हर डिपार्टमेंट अच्छा है, उसकी अपनी स्पेशलिटी है। जैसे इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, फॉरेन सर्विसेज है, मिलिट्री लैंड्स एंड कंट्रोमेंट्स है, और इंफॉर्मेशन ग्रुप है, रेलवे है, पोस्टल है, जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स हैं, तो ये सारे अच्छे हैं। और सारों में पब्लिक सर्विस है, सारों में आप अच्छे तरीके से सर्विस कर सकते हैं। मगर जैसे कि हमारा ये ट्रेंड है कि PAS जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस का, तो वो ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो टॉप पे यही आते हैं हमारा, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये टॉप चॉइस हैं। बाकी ये है कि हर हर जो है वो डिपार्टमेंट, जो 12 हमारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, ये सारे अच्छे हैं।